साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। इनाया फाउंडेशन की ओर से सोमवार यानी आज 12 दिसंबर को प्रयागराज स्थित जीटीबी नगर करेली में इनाया फाउंडेशन की ओर से एक सम्मान समारोह चल रहा है, जिसमें भारतीय अंडर 19 क्रिकेट में चयनित हुई प्रयागराज की उदयमान क्रिकेटर फलक नाज का सम्मान किया जा रहा है। आपको बता दें कि इनाया फाउंडेशन एक सेरेब्रल फाल्सी एवं शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण बच्चों को समर्पित लाभ रहित संस्था है, जो सामाजिक कार्यों में भी अपना योगदान देने के साथ साथ समाज के प्रतिभावान लोगों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ समय पर उनकी मदद भी करता है। इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज की उदयमान महिला क्रिकेटर फलक नाज का सम्मान किया जा रहा है, जिन्होंने शहर और प्रदेश का मान बढ़ाया है। आपको बताते चलें कि फलक नाज का अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में चयन किया गया है। फलक नाज मध्यम तेज गेंदबाज और मध्यम क्रम की बल्लेबाज हैं और आज के समय में ज़रूरत के मुताबिक फलक नाज एक बेहतरीन क्रिकेट ऑलराउंडर हैं। सामान्य परिवार से आने वाली फलक ने आर्थिक और सामाजिक बंधनों को तोड़कर अपनी मेहनत के बल पर यह सफलता पाई है और आज वो हजारों लड़कियों के लिए एक मिसाल बन गई हैं। प्रयागराज की उदयमान क्रिकेटर फलक नाज और कोच अजय यादव को सम्मान किया जा रहा है। चारों तरफ की मुसीबत, जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहां पे लड़कियों को पढ़ाई लिखाई की तरफ तो हम लोग भेज देते हैं, मगर खेल कूद की तरफ हम लोग अभी भी पीछे हैं। तो उस बंधनों को इन्होंने तोड़कर, और इनके उसमें इनके माँ का और फादर का बहुत रोल था, साथ में इनके बड़े भाई और एक छोटी सी बहन है उसका भी बहुत रोल था। तो इन्होंने पूरे बंधनों को तोड़ के और क्रिकेट को इन्होंने चुना और आज की तारीख में आप जो भी आप देख रहे हैं वो आपके सामने है। और मैं एक चीज और इन लोगों को बोलूंगा कि कोई भी चीज अगर आप करने का इरादा ठान लें, तो अगर इरादा आपका अच्छा है तो आप उसमें पीछे नहीं रह सकते, आप उसमें पाएंगे। जैसे हमारी माएं यहाँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं अपने बच्चों को लेके, ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि आप फलक के बारे में भी जानें। अभी फलक आपको बताएंगी कि किस परिस्थितियों से निकल के वो आई। जिस तरह हमारे पेरेंट्स हैं, इतनी दूर दूर से पेरेंट्स अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए आए हैं, किसी के पेरेंट्स नहीं होते हैं साथ में, सिर्फ माएं हैं। और माँ जिसको हम लोग एक औरत बोलते हैं, एक लेडीज बोलते हैं, एक बहन और भाई के रूप में, कई रूप में आपको देखने को मिलेंगे। इन लोगों का इतना इच्छा शक्ति होती है, इतना मजबूत होती है ये लोग, कि अगर ये ठान लें तो हर मुश्किल नामुश्किल काम को मुश्किल कर देंगे, वो मुश्किल को ये नामुमकिन नहीं बना सकती, ये सब कुछ आसान कर देंगे। तो हमारा सिर्फ एक कहना है फलक के जरिए से, आप लोगों के बीच में जितने पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, आप लोग अपने बच्चों के बारे में ये मत सोचिए कि मेरा बच्चा जो है कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप ठान लेंगी तो जाहिर सी बात है कि ये बच्चे आपके एक ना एक दिन कामयाब होके रहेंगे जरूर, अपने पैरों पे खड़े होना भी सीख लेंगे, ठीक है, चलना भी सीख लेंगे। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में भी बहुत आगे होते हैं, खेलकूद में भी बहुत आगे होते हैं, म्यूजिक में भी बहुत आगे होते हैं। तो एक तो बच्चों का पहले मेरा ये कहना है कि आप अपने पेरेंट्स बच्चों का ये पहले देखें कि बच्चों का रुझान किधर जा रहा है, पढ़ाई की तरफ जा रहा है, खेल कूद की तरफ जा रहा है, जिधर उसका रुझान जा रहा है उधर उसको भेजने की जरूरत है। ये ना करें कि उसका मन खेलने में जा रहा है तो आपने पढ़ाई की तरफ लगा दिया तो मन उसका नहीं लगेगा। तो इसलिए आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं हमारे पेरेंट्स, ये मैसेज आपको आज जाना चाहिए और फलक भी आपके बीच में बताएंगे भी कि अगर आपका कोई सपोर्टर, जैसे देखिए अजय साहब हैं यहाँ पे कोच फलक के, तो ऐसा नहीं है कि फलक को उन्होंने एक दिन में फलक बना दिया है, उसको बनाने में उन्होंने 5 से 10 साल खपाए होंगे तब ये फलक आपके सामने आज बैठी है। उसी तरह आप अपने बच्चों के बारे में, चाहे आप हमसे या हमारे थेरेपिस्टों के साथ आप लगे रहिए, एक ना एक दिन जरूर भगवान इंशाल्लाह आपको जो है वो कामयाब करेंगे जो। तो आप लोग एकदम मायूस ना हो इस तरह के बच्चों को लेके, और हर प्रोग्राम में आप लोग थोड़ा सा शामिल हो, हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है, और उदास होने की जरूरत नहीं है।
आप अपने मन को थोड़ा सा स्ट्रांग करिए और कामयाबी मिलेगी जरूर, जिस तरह इसने फलक ने करके दिखाया है। फलक को बहुत से ऐसी मजबूरियां, ऐसी बंधनों से इनको पाला पड़ा होगा, जैसे हम लोगों ने पेपरों में देखा है बहुत बहुत सी चीजें स्टेटमेंट इनके मदर के हैं, फादर के हैं, तो उसी तरह आप लोगों के साथ भी होता होगा। आप जब अपने घर से निकलते हैं तो लोग यही बोलते होंगे, अरे ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। ये बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। आज की तारीख में इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो अपने पैरों पे खड़े होकर पढ़ना लिखना, इंजीनियर डॉक्टर सब कुछ बन जाते हैं। मैं अब पलक से बोलूंगा कि वो थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और आप लोग इससे सीखें भी। पलक का यहाँ आने का मकसद यही है कि आप लोग सीखें कि अगर आप हिम्मत से काम करेंगे तो जाहिर सी बात है एक ना एक दिन आप कामयाब होना ही होना है। ठीक है, नाकामयाबी को आप हटा देंगे जरूर। देखिए डॉक्टर साहब ने यहाँ तमाम बातों पे रोशनी डाली है। मैं भी आगरा से आया हूँ, मैं भी क्रिकेटर रहा हूँ बहुत जीवन में, मैं मैदान में चला जाता हूँ तो मुझे सब कुछ वही लगता है कि इसके आगे और इसके पीछे कुछ नहीं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई जो मेरी माँ बहनें बैठी हैं, और बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि जो लोग आपके नन्हे मुन्ने गोद में बच्चे हैं इनकी तरफ से कोई मायूसी आप ना रखें, इनके लिए कोशिश करती रहें और ये आगे जाएंगे जिस भी फील्ड में जाएंगे। तो डॉक्टर साहब ने तो डॉक्टर साहब का पेशा है उस लैंग्वेज में बताया, मैं क्रिकेटर हूँ एक खिलाड़ी हूँ। सबसे पहले मैं आप तमाम इलाहाबाद के लोगों का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि एक आप ही लोगों के बीच में से एक बच्ची आपके देश को प्रतिनिधित्व कर रही है, आपका गौरव बढ़ा रही है, आपके शहर का गौरव बढ़ा रही है, हमारे देश का गौरव बढ़ा रही है। साथ में मैं अजय भाई को विशेष रूप से मुखातिब होऊंगा क्योंकि मैं भी इन्हीं की तरह एक हिस्सा हूँ। मैं भी बच्चों के साथ सुबह चला जाता हूँ। आई एम रनिंग 63 और मैंने बहुत पहले यूनिवर्सिटी खेली, अपने प्रदेश से खेला और मैं आज भी ग्राउंड जाता हूँ। तो मैं अजय भाई को विशेष रूप से बधाई दूंगा कि हम लोग जो होते हैं, जो सिखाने वाले होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब हैं आपके बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं, सही बात डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही, मैं अजय भाई को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि हम लोग जो होते हैं, जो गुरु का रूप भी होते हैं चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, हमारे साथ एक कच्ची मिट्टी होती है, गीली मिट्टी होती है, उसको शेप देने का काम हम लोग करते हैं। लेकिन हम भी तब सफल होते हैं जब हमें हमारे स्टूडेंट या हमारा शिष्य हमारे साथ मेहनत करता है। तो मैं फलक को बहुत बहुत अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। बेटा आपका भविष्य बहुत उज्ज्वल है, मैंने आपकी क्लिपिंग भी देखी और इसकी क्लिपिंग मेरे डॉक्टर साहब ने अभी सुबह दिखाई। डॉक्टर साहब का बच्चा भी खेल रहा है, मेरी थोड़ी देखरेख में है क्योंकि मैं एज ए विकेट कीपर और बैट्समैन रहा हूँ, पर मैंने उसको देखा, इसकी क्लिपिंग को देखा, मैंने कहा ये बोल्ड किया है तुमने उसको, मैं देख रहा था इसने ऐसे, आप लोग नहीं समझेंगे ये थोड़ा टेक्निकल बात है, खिलाड़ी लोग अगर कोच होंगे तो अच्छा। मैंने बहुत आपकी गुजारिश सुन ली, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, मैं बता दूं मेरे साथ एक और मेरा पीरियड रहा 17 साल मैंने पॉलिटिक्स की है, तो वो थोड़ा सा नेतागिरी का गुण है, तो आप वो ना हो परेशान ना हो। तो मैं अपनी तरफ से तमाम आप लोगों की तरफ से मैं आगरा से आया हूँ, लेकिन आप लोगों को मुबारकबाद देना है कि ये इसके बारे में एक और बोलूंगा कि खेल तो बहुत सारे हैं लेकिन जिस खेल में इस बच्ची ने आगे जाके हिंदुस्तान का परचम लहराया है, जो खेल आज सबसे ज्यादा हमारे देश में देखा जाता है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, सब अपने बच्चों को उस खिलाड़ी बनाना चाहते हैं। तो पहले हमारे टाइम में इसमें कंपटीशन कम था, लोग बहुत कम आते थे, बच्चे बहुत कम आते थे, सिलेक्शन हो जाता था, ये थोड़ा बहुत अच्छा खेलता था आ जाता। आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर ट्रायल्स में 300-400 बच्चे आते हैं। उसके बाद इस बच्ची ने इलाहाबाद से और इतने आगे तक का सफर तय किया है। आप लोग इसके बधाई के पात्र हैं, मैं उसे दोबारा से मुबारकबाद देता हूँ, उनके कोच साहब को मुबारकबाद देता हूँ। साथ में डॉक्टर साहब आप जैसे लोग हम लोगों के पीछे, पर्दे के पीछे जो काम करते हैं, मैं आपको भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं हम लोग या हमारे जैसे बच्चे हैं वो कमजोर होते हैं, तो आप लोग जिस तरीके से हम लोगों को हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं, तो मैं भी आपको भी बहुत बधाई कि आपने हमें यहाँ बुलाया, इसके लिए बुलाया। विजय साहब मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस बच्ची के साथ मेहनत की, और बेटा इंशाल्लाह हमारी दुआएं तेरे साथ हैं, आप हमेशा काम आ रहे हैं। थैंक यू पलक। गुड आफ्टरनून एवरीवन, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग की दुआओं के साथ मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और भी आगे जाऊंगी, बस इसी तरह आप लोग दुआ बरकरार रखिए, प्रार्थना करते रहिए मेरे लिए। अभी मुझे वर्ल्ड कप खेलने जाना है तो आप लोग की
दुआ रहेगी तो और आगे जाऊंगी और वर्ल्ड कप इंडिया ही लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच। मैं अजय साहब से बोलूंगा कि आपको फलक को आपने फलक बनाया है, तो क्या आपने तरीका अपनाया फलक को फलक बनाने का? ये जो प्रश्न है वाकई में डॉक्टर साहब का बेहद सीक्रेट होता है और सभी के मन में जिज्ञासा होगी इस क्वेश्चन के उठने के बाद कि इस फलक को उस फलक तक कैसे ले गए। आपको बताएं, जो शख्स यहाँ सामने बैठा हुआ है ना, इसी शख्स की मेहनत और एक ऐसा जुनून जो किसी भी इंसान को कुछ भी पाने के लिए सार्थक सिद्ध होता है, वो होता है पॉजिटिविटी। और आज जो फलक हमारे सामने बैठी है, ये शख्सियत पॉजिटिविटी के साथ एक ऐसा प्यार था इसको, जिसको बहुत कम लोग कर पाते हैं। अगर आप अपने जिंदगी में, अपने जेहन में किसी भी चीज को करने के लिए ठान लें और पॉजिटिविटी के साथ चलने लगे, तो मुझे लगता है कि फलक जैसी खिलाड़ी बनना आसान होता है। हालांकि फलक फलक ही है और इन्हें अभी बहुत कुछ करना है और देश के साथ साथ पूरे विश्व में अपना परचम लहराना है, और वही उम्मीद लेकर के ये वर्ल्ड कप खेलने जा भी रही हैं। आपको उस प्रश्न का हम जवाब और अच्छे तरीके से इस तरीके से देना चाहेंगे कि अगर किसी जौहरी को तलाश हीरे की होती है तो हीरे में भी वो चमक होनी चाहिए, तो जौहरी जब तलाशे तो उसे आसानी हो बेहतर करने के लिए, तो फलक उसी का नतीजा है। और आज सफलता के उस मुकाम पर है जहां इन्होंने हमारे साथ और हमने इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके जो कुछ भी किया, पूरे शहर ने, पूरे प्रदेश ने कहीं ना कहीं इनके साथ अपना सहयोग प्रदान किया। हमारा जो सब कुछ इनके साथ शेयर हुआ उसका नतीजा, और उसके बाद इन्होंने जो हमारे साथ किया, जितनी मेहनत करी है, उन सब का नतीजा आज आपके सामने मौजूद है। पलक, शुक्रिया। कुछ बातें बोलना भूल गए थे, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, तो थोड़ा सा सर जो सर आए हैं मेरे लिए, मतलब सर मेरे लिए बहुत ही कुछ किया है सर ने, इनका बहुत बहुत शुक्रिया है, थैंक यू सो मच। और जो ये खड़े हैं सर, इन्होंने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इन्होंने सपोर्ट मुझे किया है और सर ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, थैंक यू। और हमारे डॉक्टर साहब इनायत फाउंडेशन के अध्यक्ष पलक नाज का स्वागत शॉल से करने जा रहे हैं, शॉल पहना के, और सभी जो है इनका हौसला अफजाई कीजिए पलक जी का। हेलो, हाँ, अजय सिंह यादव का स्वागत साल और मोमेंटो के जरिए, हसन कोच अजय सिंह यादव जी को। पूर्व क्रिकेटर आगरा से आए हुए समीउद्दीन साहब का साल और मोमेंटो देखिए।
राशिद, मिस्टर राशिद। डॉक्टर यूनुस साहब का साल से स्वागत। कृष्णा सचिव विनायक फाउंडेशन, मैं फिर से फलक को जो है शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और हमारे इस प्रोग्राम का जो है वो हिस्सा बनी। हम इनके लिए फिर दुआ करते हैं कि ये वाकई अच्छा खेलें और वर्ल्ड कप को जरूर लेके आए, क्योंकि इनकी चुनौतियां आज के बाद से और चालू हो गई हैं। आज के बाद ये शायद आपको सामने सार्वजनिक स्थानों पर मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनके पास बंधन भी हैं, ये अब आम लड़की नहीं रह गई है। की ओर से एक सम्मान समारोह चल रहा है जिसमें भारतीय अंडर 19 क्रिकेट में चयनित हुई प्रयागराज की उदयमान क्रिकेटर फलक नाज का सम्मान किया जा रहा है। आपको बता दें कि इनाया फाउंडेशन एक सेरेब्रल पार्सी एवं शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण बच्चों को समर्पित लाभ रहित संस्था है, जो सामाजिक कार्यों में भी अपना योगदान देने के साथ साथ समाज के प्रतिभावान लोगों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ समय पर उनकी मदद भी करता है। इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज की उदयमान महिला क्रिकेटर फलक नाज का सम्मान किया जा रहा है। इनाना फाउंडेशन के द्वारा समाज के लिए और समाज के लोगों के लिए एक बेहतरीन काम किया जा रहा है। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक ले देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं